हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपके बढ़ते हुए वजन को तेजी से कंट्रोल करेगा, आपकी पूरी बॉडी में जमा चर्बी को ये खत्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है। दोस्तों, लोग मोटापे को कम करने के लिए कई तरह की दवाइयां भी ले लेते हैं जिनके बहुत से साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। ऐसे में हमारे कुछ घरेलू उपाय हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद हैं। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को एक महीने तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो तेजी से ये आपके वजन को कंट्रोल करता है, मोटापे को कम करता है। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं है और जो भी चीज चाहिए वो आपके घर में आराम से मिल जाएगी। और दोस्तों, ये चीजें बिल्कुल नेचुरल हैं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपके शरीर में जमा फैट को, चर्बी को तेजी से खत्म करेंगी। तो चलिए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो चीज आपको लेनी है दोस्तों, वो है ये पीपली। दोस्तों, ये छोटी पीपली है जिसको हम लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक तरीका है आपके मोटापे को, आपके फैट को खत्म करने के लिए। दोस्तों, मोटापे को कम करने के लिए और वजन को कम करने के लिए पीपली बहुत ही अधिक फायदेमंद है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके फैट को तेजी से घटाते हैं। साथ ही दोस्तों, ये आपके शरीर की थकान और कमजोरी को दूर करती है, आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, आपके डाइजेशन को अच्छा करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है। दोस्तों, वजन को कम करने के अलावा भी पीपली के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में थकान रहती है, आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, खाना पीना आपको ठीक से हजम नहीं होता है, उसमें भी पीपली कमाल का असर दिखाती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पीपली जो है वो वात नाशक होती है और कई लोगों का जो मोटापा है, जो फैट है, वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में वात दोष होता है, यानी उनका जो शरीर है वो वात प्रकृति का होता है। दोस्तों, वात के बढ़ने की वजह से शरीर में वायु रहती है, पेट फूला रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, पेट में ब्लॉटिंग की समस्या रहती है और चर्बी बढ़ती जाती है लगता है। तो पीपली का सेवन करने से आपके वात से संबंधित दोष दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको पीपली का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों, इस तरह से आपको पीपली ले लेनी है और उसके बाद में आपको उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर आप इसका तैयार कर लें। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसको लेना कैसे है, चलिए वो जानते हैं। इसके लिए आप क्या करें, आपको लगभग एक तिहाई चम्मच पीपली का पाउडर लेना है। देखिए, इतनी मात्रा आपको लेनी है, इससे ज़्यादा मात्रा आपको पीपली का सेवन नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग एक तिहाई चम्मच के करीब पीपली का पाउडर ले लिया है। तो अब हम इसे एक कटोरी में डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें ऐड करना है शहद। शहद भी दोस्तों आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और साथ ही दोस्तों ये फैट कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पर आपको एक चम्मच इसमें शहद मिला देना है और दोनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो उठकर आप सबसे पहले पानी पिए और हल्का गुनगुना पानी पिए। 2 से 3 ग्लास आपको रोजाना सुबह उठ करके हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपको पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। तो रोजाना एक आदत बांध लीजिए कि आपको सुबह उठ करके भरपेट पानी पीना है और हल्का गर्म पानी पीना है और उसके बाद में आपको फ्रेश होना है। और जैसे ही आप फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद में सबसे पहले आपको इसी का सेवन करना है। इस तरह से आपको एक तिहाई चम्मच पीपली का चूर्ण लेना है और उसको शहद में मिक्स करके आपको इसे खा लेना है और उसके बाद में दोस्तों आपको 1 ग्लास हल्का गर्म पानी पीना है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है वो शहद के बिना इसी तरह से इसको लें, वो शहद ऐड ना करें। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इसको लेने के लगभग 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दोस्तों, चाहे आपको डायबिटीज़ की समस्या है, थायराइड की समस्या है, किडनी पेशेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई भी आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, तब भी आप इस चूर्ण को बेझिझक ले सकते हैं। दोस्तों, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और नेचुरल तरीके से ये आपके फैट को, आपके मोटापे को कम करती है।
जिन महिलाओं का मोटापा डिलीवरी के बाद कम नहीं होता है वो भी इस तरीके से अपने मोटापे को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रात को सोने से पहले भी एक खुराक इसी तरह से बना करके लेना है। एक तिहाई चम्मच आपको पीपली का चूर्ण लेना है और उसमें एक चम्मच आपको शहद मिला देना है। तो एक बार आप सुबह इसको लें और एक बार रात को सोने से पहले इसको लें। दोस्तों इस तरह आप एक महीने तक इसको लगातार लेते हैं तो ये आपके शरीर की चर्बी को तेजी से पिघलाने का काम करती है। साथ ही अगर आपको हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है तो वो भी दूर होगी। दोस्तों इस रेमेडी को आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।